गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और आपको आवाज़ मेरी आ रही है। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और जिस तरह का आप लोगों ने आज एकजुटता दिखाई है, सच कहूँ मुझे बहुत खुशी हुई। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, ऐसा पहले नहीं देखा गया है। 2013 में भी मैं आई थी और हम लोग 2013 में जो प्रोटेस्ट किए थे उसमें कायदे से बताऊं तो हम लोग बच्चों को भर भर के यहाँ से भेज रहे थे, किसी भी तरीके से कि बच्चों को वहाँ पहुँचाया जाए। और उस समय मैं बताती हूँ कि आपको, मुझे बहुत डिसहार्टेंड हुई थी मैं। और वही चीज़ एक है ना, नेगेटिविटी था अंदर कि ये SSC वाले बच्चे जाते ही नहीं हैं, इन लोग के पीछे कौन दिमाग खराब करे। लेकिन सच कहूँ तो आज आपने बहुत अच्छा आप लोगों ने जो किया है, काबिले तारीफ है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी मैं अपने अपने बच्चे को सुला के आ रही हूँ क्योंकि उसका कल एग्जाम है, उसे ज़बरदस्ती मैंने सुलाया अभी। और उसको सुलाते वक्त मैं यही सोच रही थी कि क्या बड़ा होके, जिसको माँ अपने गोद में लेके सुला रही है अच्छे से रूम में चारों तरफ से बंद करके, वो सड़क पे सोएगा? और सड़क पे सो के अपना क्या डिमांड कर रहा है? अपने राइट्स का डिमांड कर रहा है। और कैसा राइट का? वो राइट तो उसका राइट है भाई, उसे नौकरी चाहिए और नौकरी चाहिए, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन न्यूज़ वालों को श्रीदेवी से फुर्सत मिले तब ना कुछ दिखाए। मतलब कहे ना, इतनी गंदगी है मीडिया में कि कौन किस बॉटल का और किस लेबल का शराब पिया था और कैसे वो मरी, किस तरह से मरी, कौन से टाइल्स लगे हुए थे, ये सब डिस्कस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ जो बच्चे अभी ठंड में ठिठुर रहे हैं और SSC ऑफिस के बाहर सोए हुए हैं, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। इसीलिए, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं ना, इसीलिए हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। सोचता उसके लिए जो टेररिस्ट होते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं। वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है कि जो उन्हें बांध के घुमाया है उस पर केस चल गया, उस मिलिट्री पे, उस आर्मी पे केस चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उन सबको माफ कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज अगर मैं बताऊं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूटाइल रहा आज का एफर्ट, आपका एफर्ट आज फ्यूटाइल नहीं रहा है। और SSC ने प्रेशर में आके जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रेशर मार्क स्टेटमेंट दिया है SSC ने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने आज गजब का ताकत दिखाया। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूंगी, ये बच्चे आज रात में करीबन कुछ नहीं तो 200-250 बच्चे वहाँ पे ठिठुर रहे हैं ठंड में, लेकिन वो अपने डिमांड रखे हुए हैं, कल जितनी जल्दी हो सके मॉर्निंग में कोशिश करिए जाने का। मैं यहाँ से बस का इंतज़ाम कल जल्दी करने की कोशिश करूँगी, 9 बजे तक मैं यहाँ बस का इंतज़ाम कर दूंगी। आप लोग जाइए। और सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। आज आप लोगों ने कुछ जो बातें उठा ली ना, वो बातें उठाने लायक नहीं थे। देखो, कोई भी मामला अगर कोर्ट में हो जाता है ना, कोई भी मामला कोर्ट में हो जाता है तो उसको फिर SSC नहीं निपटा सकती या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं निपटा सकती। और वो सीधा सीधा एक ही चीज़ कहते हैं, ये तो मामला कोर्ट में है। इसीलिए आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की बातें वहां पर मत उठाइए क्योंकि वो कोर्ट में जा चुका है। आप सिर्फ एक ही डिमांड रखिए कि हमें करप्शन फ्री SSC चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, अगर मेरे में काबिलियत है मुझे रखिए, नहीं है तो मत रखिए, लेकिन कम से कम हमें फुल मौका दीजिए। और आप लोग जो स्क्रीनशॉट्स लेके जा रहे हैं तो उनको समझाइए कि देखिए, ये एग्जाम का ये स्क्रीनशॉट्स है, आप कह रहे हैं कि ये कहाँ का है हमें नहीं पता, तो आप जिस दिन आंसर डिस्प्ले करेंगे, आंसर रिलीज करेंगे, उसी दिन हम इसे इस पर केस करेंगे। हमारे पास इनपुट्स आ चुके हैं कोर्ट से, जो आप जो वकील वगैरह करते रहते हैं जनरली वहां से, कि ये बहुत अच्छा मामला है कोर्ट जाने का। और सच कहें तो जब कोर्ट से डंडा पड़ता है ना तो सारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो इस पर हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से आप लोग जुटाइए। हमें लगता है कि ऑलरेडी पूरे ऑनलाइन ये मीडिया में आ चुका है कि कौन कौन से पेपर आउट हुए हैं, वो स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं। अरे कहे ना, स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आते हैं, अब निकालने में डर लगता है भाई, मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। आज भी मैं पीछे से आपको इसलिए सपोर्ट कर रही हूं कि अरे कमाल है, जो एक्सपोज करना चाहता है उसी को कहता है इनके पास कैसे आया।
अब तो हर बच्चा के पास है, एसएससी ने यही क्वेश्चन उठाया था क्राइम ब्रांच के पास कि इनके पास कैसे पहुंचता। भैया मेरे पास नहीं पहुंचा, एसएससी सुन ले कि मेरे पास नहीं पहुंचा, एक एक बच्चे के पास है। अगर आप एक आदमी को बम बनाने से रोकते हैं ना तो घर घर बनता है, इसीलिए आपने मुझे रोका तो अब देखिए एक एक बच्चे के पास वो पहुंच चुका है और वो लोग लड़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं। मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगी यहां पे। सबसे पहले वहां पे किसी भी टीचर वगैरह को आप लोग मंच मत दीजिए, क्योंकि वहां मैं हूं या कोई भी टीचर आएगा वो अपना इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट करने आएगा। मैं भी आऊंगी, केडी कैंपस का एडवर्टीजमेंट करूंगी, आपका जो मैटर वो डाइल्यूट होगा, पहली चीज। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरी चीज कि आप लोग देखते हो ना, पीएनबी की ही अगर मैं कहूंगी कि भैया पीएनबी अपना घोटाले का जांच कर लीजिए और हमें बता दीजिए, तो वो क्या जांच करेगा? आपको सबसे पहले एक अपना टीम बनाना चाहिए, 8-10 लोगों का टीम बनाइए। कल वहां पर पूरी भीड़ एसएससी के पास होनी चाहिए, 10 से 15 लोग। आप लोग राहुल गांधी से मिलिए, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ जो ओपोजिशन में होता है ना उनको, ये पॉलिटिक्स है भैया, पॉलिटिक्स है। जहां भी 5,000 लोग जुड़ जाएंगे तो कोई भी चाहेगा कि हाँ इस मैटर को हम कुछ करें और हम लाइमलाइट में आए। तो आप राहुल गांधी या जिसके पास भी जाना चाहते हैं, आप इसको ओपोजिशन को इसमें शामिल करिए। कोई भी बड़ा लीडर नहीं आएगा आपके प्रोटेस्ट में तो आपको मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी आपको कि पहला आप डीओपीटी में डेलीगेशन भेजिए, डीओपीटी में कम से कम आप लोग 15 से 20 लोग जाइए, और अगर लगता है कि नहीं आपको मिलने दे रहे हैं तो आप लोग वहां पे एक काम कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा लोग जा सकते हैं, लेकिन 2013 में बहुत कम लोग यानी कि जानते हो ऑटो में बैठ के लोग गए थे, 4 से 5 लोग को बुलाया गया था, वो चले गए थे। मुझे लगता है नारायण स्वामी थे, हम लोग कुछ बच्चे जाके मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं। तो सबसे पहले डीओपीटी से जब प्रेशर आएगी एसएससी पे तो एसएससी वो समझेगी। दूसरा है कि आप किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर को इसमें इन्वॉल्व करिए, क्योंकि अपोजिशन देखो कुछ लोग कह रहे हैं एसएससी का नाम भी मालूम नहीं होगा। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, यूपीएससी वाले राहुल गांधी से ही मिले थे कि हमारा साल सी सैट की वजह से खराब हुआ है, तो उन्होंने ही 20 से 32 साल उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि लोग यार पॉलिटिक्स में सबको ये बेवकूफ वो बेवकूफ, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता जो समझता नहीं। इसीलिए आप दो चीजें जरूर करिए, कल डीओपीटी भी जाइए और कल आप राहुल गांधी से मिलिए। हाँ एक बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत शांति प्रदर्शन किया है आपने, पुलिस बैठी थी इंतजार में लाठीचार्ज करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कुछ होगा, बस तुरंत भगाना है। देखिए मौका नहीं देना है, है ना, क्योंकि शांति से प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी को मौका मत दीजिएगा। दूसरी बात है कि कल मैं पूरा का पूरा नजर रखूंगी। देखो आज भी मैं पूरी नजर रखी हुई थी और मेरे लोग वहां पर थे। आपको अगर लग रहा है कि मैंने सिर्फ छोड़ा हुआ था तो मैं आपको खैर वो नंबर नहीं दिखा सकती हूँ, दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 बार मेरा, वो भी सिर्फ 3:30 बजे तक बात हुई है। 3:30 बजे के बाद सिर्फ मैं उससे व्हाट्सएप में बात किया मैंने, क्योंकि मैं क्लास में थी तो मैं 8 से 10 बार 3:30 बजे के बाद व्हाट्सएप में बात किया मैंने। तो इसीलिए आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ एसएससी से नहीं, आप कल कुछ एकाध टीम बनाइए और वहां जाइए। और दूसरी बात है जब आप बात करें तो बात को डाइल्यूट मत करिए। आप कभी नॉर्मलाइजेशन की बात करते हो, कभी टियर 3 की बात करते हो, कभी कुछ बात कभी कुछ बात, कोई बात नहीं करना है सिवाय ये कि करप्शन खत्म होना चाहिए, इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराइए। और अगर ये सब नहीं होगा और आप कहेंगे कि नहीं हमारे हमें हमारे पास कोई बहुत तगड़ा प्रूफ नहीं है, तो बस आप की रिलीज करिए, की रिलीज होने के बाद ये कोर्ट जाएगा मामला। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा। कल थोड़ा आप लोग ध्यान से रखिए एक चीज की, वहां पे बहुत कुछ आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा अपना अरेंजमेंट भी करके जाइए। और अगर वहां पे मैं 1 बजे के बाद देखती हूँ, पहले तो मुझे कोशिश करने दीजिए कि अगर कुछ हो पाएगा तो मैं पहले तो सुबह बच्चों को भेज दूंगी मैं, और उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ अगर अरेंजमेंट हो पाएगा तो मैं करूंगी। क्योंकि देखिए बहुत लोग हैं ना, 5,000 के लगभग लोग आ रहे हैं वहां पे,
तो थोड़ा सा अपना अरेंजमेंट करके जाइएगा, सेफ्टी मेजर्स रखिए। और मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है बाकी सब स्टूडेंट्स से, आज आज जितने लोग गए हैं कल वो लोग ज़रूर जाए, कल प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइए, सब लोग ज़रूर जाइए। आज का एक एक बच्चा कल होना चाहिए वहाँ पे। उसके अलावा आज जो नहीं किया है आप लोग के लिए बहुत शर्म की बात है कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है, इसीलिए आप आज नहीं गए हैं कोई बात नहीं, आप कल ज़रूर जाइए। इसीलिए गुंजाइश, सिर्फ एक गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ हेल्प करिए उनको जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये उनकी लड़ाई नहीं आप सबकी लड़ाई है, ठीक है। और मैं एक और कहना चाहती हूँ कि 2013 में मतलब एक ही दिन में, और हम लोग, मैं बताती हूँ कि हम लोग DOPT हम लोग वहाँ SSC के ऑफिस भी नहीं गए थे, हम लोग जंतर मंतर में बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने शाम तक अपना जो कराना था वो करा के उठे थे, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेट अवे DOPT को किया था, अप्रोच किया था। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, देखो अभी मैं आप थोड़ी देर में आपको एक वीडियो भेजूंगी, आप खुद देखोगे, आप खुद देख सकते हो कि आप खुद देख सकते हो उसमें कि किस तरह से बच्चे अभी रात में वहां पर एक रात काट रहे हैं सड़क पे। अब जस्ट इमेजिन करिए, आप जैसे बच्चे जिनका अच्छा घर द्वार के बच्चे हैं, सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, वो भी पढ़ लिख के पास करने वाले बच्चे जो कि पास करने की क्षमता रखते हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं और सड़क पे सो रहे हैं। इसीलिए प्लीज़, और देखो लीडर की बात जहाँ तक है, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि आगे खड़े होके नाटक करना, लीडर का मतलब होता है जो आपको सही रास्ता दिखाए। देखिए मैं आपको सही रास्ता दिखा रही, लेकिन अगर मैं आगे चली गई ना तो ये जो मुद्दा है बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा कि हाँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मालिक अपने फायदे के लिए एग्जाम्स कैंसिल कराती है। आपको पता है MTS का पेपर जब कैंसिल हुआ तो क्या लगा इल्जाम कि MTS का पेपर इसलिए कैंसिल करवाया इसने ताकि इसके पास बैचेस बने। आप खुद स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से पता होगा कि MTS के बैचेस नहीं बनते। MTS तो बच्चे जो देते हैं वो वही CGL वाले होते हैं जो MTS दे देते हैं, है ना। तो इसीलिए मैटर बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। मुझे मत बुलाइए, मैं हूं पीछे से हूं, और आप लोग अगर अभी भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी किस तरह से बच्चे रात में वहां काट रहे हैं। इसीलिए आराम करने का समय नहीं है, सिर्फ एक या दो दिन की कठिन परीक्षा है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह से, जिस तरह से अभी पेपर आउट होता है उस तरह से करेंगे। आपका कोई सवाल है या कुछ है तो बताइए। देखिए पेपर तो सब लीक होगा, अगर आप लोग नहीं सचेत होंगे ना तो सब लीक होगा, इसलिए कौन सा पेपर लीक होगा कौन नहीं होगा ये बेकार बात है। और आज सही बात है, कुछ लड़के कह रहे हैं हम आज सड़क पे अपने लिए सिर्फ नहीं है, तो आज उस सड़क पे आपको कल सड़क पे होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इनका कहना आप लोग सिर्फ बोलेंगे ही तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, लड़ाई तो आपकी है ना, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको, और क्या करें। लीडरशिप की कमी नहीं है, आप लोग में बहुत सारे लीडर्स हैं, बस खाली आप लोग जब कुछ काम करने जाते हो तो एक बार सलाह ले लो, कोई भी चीज़ अगर डिस्कशन करने जाते हो तो पॉइंट वाइज बना के जाइए और उनसे लिखित लेके वापस आइए कि हाँ ये चीज़ें हैं। देखिए पुलिस का काम है धमकाना, पुलिस का काम है धमकाना, उसकी चिंता मत करो। आप लोग खाली वायलेंट नहीं होना तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं, ठीक है, कि बच्चों से ज्यादा बच्चों भेजने का। देखिए नेता कोई नहीं था, नेता वहां पर दो तीन टीचर्स जाके बन गए थे, ये अननेसेसरी बन गए थे, एक बार पुलिस से हड़काया तो भाग गए। और दूसरी बात है वहां पे आप लोग अपने अपने अड्डे बना के मत बैठ जाइए, समझे। आप लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग अपना अपना अड्डा बना के बैठ जाते हैं, सब लोग एक जगह बैठिए ताकि भीड़ दिखाई दे। और बताइए कुछ। देखिए पेपर लीक करने वाला कौन है यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। पहले जब
लोगों ने जाके बताया कि ओएमआर यहाँ भरा जा रहा है, तो सारे के सारे जो ऐसे डेली बेसिस पे कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया। लेकिन वो फिर भी हो रहा है, इसका मतलब है कि अंदर कोई है। देखिए, मीडिया को भी श्रीदेवी से फुर्सत नहीं है। होपफुली आज रात में उनका अंतिम संस्कार हो जाए या कल सुबह, तो उसके बाद शायद दोपहर के बाद से वो फ्री हो, क्योंकि इनको तो एक हर बार ऐसे ही पंगा होता है बेटा, हर बार एक ही पंगा होता है। होता क्या है ना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ उस दिन हो जाता है और उसके बाद मीडिया उसी के पीछे पड़ जाती है। देखिए, ये जो रोटी कपड़ा और मकान है ना, ये मुद्दा बहुत छोटा है। बड़ा मुद्दा तो है कि एक फिल्म एक्ट्रेस मर गई, ठीक है, पर तो बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे होते हैं इस भारत में। हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई होना, कोई गाय को काट के खा गया, तो ये सब बड़े मुद्दे हैं, ये सब छोटे मुद्दे हैं। मीडिया को इन्फॉर्म किया जा रहा है, कल के लिए भी किया जा रहा है। हाँ, पीछे जो है गणेश जी है, और मैं बाहर बैठी हूँ, आज रूम में नहीं बैठ पा रही क्योंकि वो मेरा बेटा सोया हुआ है। आप जाइए, राहुल गांधी के ऑफिस में जाइए। मेरा ये कहना है कि आप इनफैक्ट बीजेपी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बीजेपी को ही कांटेक्ट करिए आप। यहाँ के जो एमपी है मुखर्जी नगर के, मनोज तिवारी, उनको भी कर सकते हैं। कल करो ना, कल करो, कल देखते हैं क्या आता है। नहीं आता है उसके बाद फिर और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अभी फिलहाल आप आगे करिए, देखिए। और कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर तो सबके पास है, 8860-33-0003, ठीक है, 8860-33-0003। किसी तरह कोई डिसीजन लेना है तो ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। देखिए, मीडिया, आप जो कह रहे हैं ना मीडिया टेंशन, मीडिया टेंशन तब होता है जब कुछ नौटंकी ज़्यादा हो जाता है, तब मीडिया पहुंचती है। उनके मीडिया के चक्कर में हम थोड़ी आप लोगों को खतरे में डालेंगे या कहेंगे कुछ आउट ऑफ वायलेंट हो, ये सब नहीं चलेगा ना। मीडिया को कुछ मसाला चाहिए, ठीक है। आप लोग को दो तीन चीज़ जो मैंने सजेशन दिया है मैं समझा रही हूँ आपको फिर से। डीओपीटी को इन्वॉल्व करिए, हो सके तो रूलिंग पार्टी को के पास एक आप लेटर दीजिए, और अपोजिशन तो बहुत जल्दी ही आ जाएगी क्योंकि वहाँ भीड़ है, तो आप लोग ये कोशिश करिए, और खासकर डीओपीटी को ज़रूर इन्वॉल्व करिए। दूसरी बात है, अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में तो फिर इनफैक्ट उनके तरफ से भी इनपुट्स आ रहा है कि बहुत स्ट्रांग केस है। चलिए देखते हैं, ऑल द बेस्ट, लेकिन कल जरूर जाएंगे आप लोग। आज जो गए हैं आप लोगों को कसम है कल पहुंचना है वहां पे, राइट। और बाकी जो लोग नहीं गए हैं, शर्म करो, आपके लिए कोई दूसरा लड़ रहा है, आज रात भर वहां सो रहा है। बाहर बाहर शहर से लड़के आए हैं, जयपुर से आए हैं, बिहार से आए हैं, इंदौर से आए हैं, ऐसे लड़के वहां पर सड़क पे सो रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या ये सही बात है कि आप यहाँ अपने घर में सो रहे हैं। जरूर पहुंचे और कल वहां रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई शक्ल दिखाते रहो एक बार अपनी, स्माइल देख भाई, शक्ल दिखाते रहो भाई अपनी। सभी भाई लोग एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं, कल कल बस प्रोटेस्ट भाई, करने कल के लिए ताकत कल को बैंड बजानी है पुराना भाई। लाइव हो गया, वीडियो ले रहा नहीं, लाइव नहीं है भाई, भाई दर भी लाइव हो जाओ भाई। कल आना है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपील करो लोगों को आने के लिए, बोलो आ जाओ भाई प्लीज। देखा आप लोग, आओ, हम रोड पे सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ मदद करिए बस हमारे लिए। आप लोग जरूर आइए, प्लीज आप आइए, आप लोगों के लिए रोड पे बैठे हुए एसएससी तैयारी करने वाले थे वो रोड पे आ गए आज, प्लीज भाई अपील करो सब लोग। अरे बस, हम कल के लिए तैयार है, आवाज तो हम सब एक हैं, कल के लिए तैयार है।
तरीके से खाना खा रहे हैं हम सब अंदर अंदर देखिए भाई बिल्कुल भाई लोगों हम आपके लिए रात में रुक सकते हैं तो आप दिन में नहीं आ सकते क्या बहुत बढ़िया भाई कुछ कहना भाई खूब आओ बंदे यार एसएससी एक बार ध्यान रख ले हम उनकी वजह से कम खाना तो नहीं छोड़ने वाले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोलो भाई पूरे ऊर्जा के साथ मतदान जारी रखेंगे बिल्कुल जारी रखेंगे भाई बिल्कुल जारी रखेंगे ऊर्जा लिए हुए हाँ भाई खाना बड़ा चंगा भाई अरे भाई।